हाँ जी, तो सत श्री अकाल सारिआं नूं। दिस इज़ अनमोल मेहता बैक अगैन विद पंजाब इकनोमिक सर्वे। चैप्टर 4 की गल करांगे जी अज करोनोलॉजिकली। ये चौथा चैप्टर है, आपां बाकी सारे डील कर चुके ने। सो प्लीज़ जे नहीं देखिया तां उहनां नूं जाके देख लिओ। सो गोइंग फरदर, अज जी सर्विसिज सैक्टर की गल हो रही है। सो सर्विसिज सैक्टर इज़ वन ऑफ दी और दी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ पंजाब। सो लार्जेस्ट सैक्टर हैगा जी सर्विस सैक्टर इन पंजाब एज वैल एज इन द नेशन। इन पंजाब 46.7% GVA है, एंड एक स्टार्टलिंग फैक्ट है कि 40.9% ऑफ टोटल वर्कफोर्स भी सर्विस सैक्टर पर डिपेंडेंट है। तो प्रोबेबली यू कैन से दैट दिस वर्कफोर्स डिपेंडेंस इज अ लॉट डिफरेंट दैन the other states of the nation, because this is a huge number. 40 more than 40% of the people depend upon service sector. So this becomes important for the economy, for the exam as well, right? So let's go into the details. The rate of growth of services has outpaced the overall GSVA growth, that is gross state value added. So obviously this is happening at the national level as well. And the rate between 2012-13 and 2019-20 ALI period, GSVA was growing at an average of 7.2, while that of overall was 5.3. So GSVA of services is running faster than the other GSVA, right? The growth has been primarily driven. ये details से पता होना चाहिए था भाई सब तो ज़्यादा excuse me. सब तो ज़्यादा ग्रो करने वाला कौन है जी? ट्रेड, रिपेयर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट सैक्टर। सर्विसेज दे विच सब सैक्टर कौन है? वी शुड नो द लार्जेस्ट इज दिस। दिस सैक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 23.1% ऑफ द ओवरऑल सर्विस सैक्टर। 23% इन्हें कॉन्ट्रीब्यूट किया ट्रेड रिपेयरस। क्रोनोलॉजी यार PCS च ना पूछ लेंगे ने सर। आई एम ऑलवेज अंडरलाइनिंग द फैक्ट कि ध्यान रख लियो वड्डा कौन है, राइट? सो विदिन दिस ट्रेड, within this sector it is trade and repair services which accounted for 93.6% of GSVA, right? ede vich trade and repair service sab to vadda hai ale ch, trade, repair, hotels and restaurants, right? Going further, je as far as others, the share of hotels and restaurants is low in the service GSVA. trade and repair the high hai, hotel restaurants da thoda ja ghat hai कंपैरेटिवली। बट जे मेजर करते हैं आप कट्ठे देखते हैं तो सब तो वड्डा ट्रेड, रिपेयर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मनिया जाता। उहदे विच जे जाइए माइक्रो डिटेल तो ट्रेड एंड रिपेयर ज़्यादा, होटल रेस्टोरेंट घट है। बट फिर भी आप देखिए भी टूरिस्ट सर्ज होया जी, टूरिज्म इनक्रीज होया स्टेट 2010-18 के अबाउट ग्रोथ रेट होया जी 29.5%। तो होर कि सर्विसिज इंपोर्टेंट ने जी? एक तो टूरिज्म आप कर ली गल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सर्विसेज इकोनमी। यार सब सैक्टर ना सिर्फ प्रीलिम्स से काम आते हैं, मेन्स से भी काम आ जाने भी। सर्विस सैक्टर तो तुम आंसर लिख रहे हो तो कि लिखना, ट्रेड रिपेयर सर्विस से लिखता, टूरिज्म से लिखता, ट्रांसपोर्ट से लिखता, टेलीकॉम से पॉइंट लिखता, फाइनेंशियल सर्विसेज से लिखता। उन्होंने पता लग जाना इवैल्यूएटर कि भी हाँ इन्हें पढ़िया होया है, राइट? सो प्लीज़ कीप ऑन मैपिंग इन योर ब्रेन दैट दिस इज वट आई हैव टू राइट इन द आंसर्स, राइट? सो गोइंग फर्दर जी, ट्रांसपोर्ट सैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 7% टू सर्विसिज जी एस वी ए, 7% टू सर्विसिज जी एस वी ए। एंड ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा होना है, वट डू यू गैस? इट्स द रोड सैक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, फॉलोड बाय रेलवेज। वट डू यू थिंक अबाउट वाटरवेज इन पंजाब? Is water transport or the transport through water, will it form a large share? What do you think? Comment in the comment section, please. Right, the state has one of the highest road densities in the country with 90% of roads being surfaced. ज़्यादातर road surface ने 90% road density है, and it is testimony to good transport infrastructure that the state has highest share in interstate outward movement of wheat and rice. Wheat and rice the outward movement the highest share hai ji state ch, ta it is testimony ki di cheez di
किस चीज़ की यह सबूत है, किस चीज़ की कहानी बयान करता, ये कहानी बयान करता कि भाई साडा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब च वधिया है। राइट, गोइंग फरदर टेलीकम्युनिकेशन जी दी गल करिए, टेलीकम्युनिकेशन सैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 3.6% टू सर्विस GSVA, सर्विस GSVA प्लीज़ ध्यान रखियो। राइट, द सैक्टर इज़ वेल डिवेलप्ड इन द स्टेट विद वायरलेस टेलीडेंसिटी एंड परसेंटेज ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बीइंग मोर देन नेशनल एवरेज। प्लीज नोट इट डाउन दैट टेलीडेंसिटी इन द स्टेट एंड इंटरनेट सब्सक्राइबर्स इन द स्टेट, जिहड़े तुसी देख रहे हो तुसी भी सब्सक्राइबर हो, तो हर जगह जाओ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ने। राइट, जियो वाले, आईडिया वाले, एयरटेल वाले सारे ने, सो नैशनल एवरेज तो वध हैगी है पंजाब दी एवरेज। राइट, सो वट इज़ दैट, फाइनैंशियल सर्विसिज आर ऑलसो एन इंटेग्रल पार्ट फॉर ग्रोथ ऑफ एनी स्टेट। तो पंजाब च फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस दे देखिए, सो 18 पब्लिक सैक्टर बैंक्स ने जी इस टाइम, जिहड़ा सर्वे जद तक लिखा गया तद तक हुण कंबाइन हो गई ने, तो टैल मी हुण किनियां हो गई पंजाब च, इफ यू नो इट प्लीज़ कॉमेंट, इफ यू डोंट आई कॉमेंट द आंसर, यू जस्ट गिव मी योर डाउट। राइट, सो 18 पब्लिक सैक्टर बैंक्स, 14 प्राइवेट सैक्टर बैंक्स एंड स्मॉल फाइनांस बैंक्स, 1 रीजनल रूरल बैंक एंड 1 कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग इन द स्टेट। सो वन मोर क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, दैट इज दीज स्मॉल फाइनांस बैंक्स आर अ पार्ट ऑफ मल्टी सिस्टम ऑफ बैंक्स वेयर डिफरेंशियल बैंकिंग हैज़ बीन लेट्स से स्टार्टेड इन आर कंट्री, वेयर देर आर लैंड डिवेलपमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनांस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। सो द क्वेश्चन इज विच कमिटी रिकमेंडेड, दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन द PCS एग्जाम एज वेल, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड आंसर इन द कॉमेंट, इफ यू डोंट नो डाउट इन द कॉमेंट। आई एम सिटिंग विद यू, आई रिपीट अगैन, वट एवर यू से इज फॉलिंग ऑन माई ईयर्स एंड आई विल आंसर यू बैक। राइट, इट्स गोइंग टू माई ब्रेन एज वेल। So, which committee recommended the formation of differential banking system on the basis of whose recommendation small finance banks were set up? So, KD committee sigi, if you know, please comment. Right? So, going further, the credit deposit ratio. What is credit deposit ratio? If you know it, comment, nahi ta agli slide te aai jayega, don't worry. The credit deposit ratio in the state is higher than the national benchmark. And banks in Punjab are also compliant with priority sector lending norms. What is PSL norms? कि भाई बैंक नू कुछ हिस्सा अपने क्रेडिट दा, जिन्ना भी लोन उन्होंने दिया है, लेट्स से 100 रुपये टोटल लोन दिया, तो तू 40 रुपये उन्होंने देना पैना है प्रायोरिटी सैक्टर नू। प्रायोरिटी सैक्टर केड़ा होएगा? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। सो जिहड़े लेट्स से पॉजिटिव एक्सटरनैलिटी वाले सैक्टर ने, जिन्हों क्रेडिट की लोड़ है, उन्होंने PSL नॉर्म्स होंगे ने, तो पंजाब ये कंपलायंट है, इनू वधिया फॉलो कर रहा। राइट, दैन मिररिंग द ट्रेंड एट नैशनल लैवल, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सैक्टर टू स्टेट्स GSVA इज एक्सपैक्टिड टू इनक्रीज फरदर विद प्रोग्रेस ऑफ द इकोनमी। राइट, आ की कह रहे हैं जी कि जिदा नेशन, पूरी नेशन च सर्विस सैक्टर का रोल वधदा जा रहा है, उदा ही एक्सपैक्टिड है कि साढ़े सूबे च पंजाब च यही वधदा जाऊगा सर्विस सैक्टर, तो प्रोग्रेस करता जाऊगा। दैट इज़ वट वी होप एंड प्रडिक्ट। दैन परफॉर्मेंस यार सर्विसिज कि ज़्यादा, आप पहला गल की है सर्विसिज की, सब तो ज़्यादा ग्रोथ ऑफ सर्विस GSVA इफ यू कैन सी हेयर इज 7%, द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ GSVA इज 5.1%। सो सर्विसिज GSVA और ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड हैज़ आउट पेस द ओवरऑल GSVA बाय अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1.9 or 2%। राइट, वी नो सर्विसेज आर रनिंग फास्टर। देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब बिकॉज IT सैक्टर इज वेरी वेरी रेलिवेंट। ये पिछे भी आप स्कीम्स कीतियां, उन्होंने भी ध्यान दे लियो। आई रिपीट अगैन, जे तुसी सारी वीडियोज़ नहीं देख रहे तो प्लीज़ क्रोनोलॉजिकली देखो, ये सैटअप हैगा, प्रस्पेक्टिव हैगा, जिहड़ा आप बिल्ड करना, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स दे लई बट मेन्स दे लई, तो नॉट ओनली इकनोमिक्स बट अदर सब्जेक्ट्स एज वैल। राइट, सो जे नहीं देखिए तो प्लीज़ क्रोनोलॉजिकली लिस्ट ऑफ वीडियोज़ देखियो। राइट, सो गोइंग फरदर, पंजाब प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ IT सर्विसिज विद प्रेजेंस ऑफ अराउंड
150 आईटी एंटरप्राइजेस ते सारा कुछ कर रहे ने जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ते आईटी सेक्टर दी जे गल करिए, प्राइमरली ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। आपां कल भी गल कीती सी कित्थे है जी, मोहाली च हैगा ते एक होर अमृतसर च बन रहा। एसटीपीआई वर्किंग कित्थे हैगा, मोहाली च सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एंड एक होर अमृतसर च बन रहा। राइट, फ्रॉम द सप्लाई साइड 6 मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर्स कित्थे कित्थे जी, देखो लुधियाने च हैगा, अमृतसर च हैगा, बठिंडे च हैगा, होशियारपुर एंड आनंदपुर। मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर ये कई बार पूछ लेंगे नहीं कित्थे नहीं है, सो यू शुड मोर रिमेंबर भी कित्थे नहीं है। लेट्स से कित्थे नहीं है, किहड़े किहड़ा डिस्ट्रिक्ट रह गया, गुरदासपुर नहीं है, फिरोजपुर नहीं है। सो लुधियाना हैगा, अमृतसर हैगा, बठिंडा, होशियारपुर एंड आनंदपुर साहिब। सो इधर हैगे ने मल्टी, की चीज़ है जी, मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर्स। ये करते की ने जी, ए मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर दे हेल्प अस इन डिवेलपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द आई टी सैक्टर। राइट, सो गोइंग फरदर जी, की नोटेबल इनसेंटिवस ने टू द आई टी सैक्टर। एक तो जी रिमबर्स करता है GST परसेंटेज ऑफ नैट GST। दिस इज़ फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्हें आई टी सैक्टर न GST रिमबर्स करता है। नैट GST रिमबर्स की है, GST रिमबर्सिंग यार, इफ़ यू नो इट, GST इज अ वेरी वेरी असेंशियल टॉपिक। लेट मी राइट इट ऑन द वॉल एज वेल, दैट वन क्वेश्चन एट लीस्ट वुड अपीयर फ्रॉम GST। आइदर वट इज़ GST और वट इज़ द कंसर्न ऑफ GST और वट इज़ द एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ GST। सो इफ़ यू नो इट प्लीज़ कॉमेंट यार, कि सानू पता है, कोई गल नहीं, जो नहीं पता प्लीज़ लेट मी नो। राइट, सो गोइंग फर्दर जी, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिमबर्स परसेंटेज ऑफ नेट GST फॉर इंटर एंड इंट्रा स्टेट सेल्स। देन एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी ऑफ 48,000 पर इंप्लॉय पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। जो इंप्लॉयमेंट दोगे तो थोनू इंप्लॉयमेंट सब्सिडी मिलेगी। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट, वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज वी वॉन्ट आर पीपल टू बी जॉब क्रिएटर्स, नॉट जॉब सीकरस। राइट, सो 100% एग्जेम्पशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 10 ईयर्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर सच टैक्सेस फॉर 10 ईयर्स। राइट, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज नंबर्स अ लिटल बिट, नॉट ऑल द डिटेल्स। सो गोइंग फर्दर जी, जे परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स देखिए, परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन सर्विसेज सैक्टर, आ देखो जी 41%, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है, सिर्फ केरला ये तो वध है। सो दैट इज़ वट आई वॉज सेइंग, पंजाब हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वर्क फोर्स इन सर्विसेज सैक्टर। ये स्टार्टलिंग ज फैक्ट है यार, नहीं तो बाकी जगह घट है, सिर्फ केरला च ज़्यादा है, तो पंजाब 41% सेकेंड। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि पहले दो च आंदा है, ओनली केरला इज़ मोर, बाकी सारे घट ने, नंबर नहीं याद करने आप, कोई गल नहीं, पंजाब का जो याद रह जाए तो वधिया गल। राइट, इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स। नाउ इंटर स्टेट ट्रेड से यार तुसी गैस करो, लैट से जिदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंदा इंडिया च, ते एक स्टेट तो भी आउटवर्ड ते इनवर्ड ट्रेड होना, सो वट वुड बी मोर इन एबसोल्यूट टर्म्स, इन प्राइस टर्म्स, पंजाब तो ज़्यादा आउटवर्ड ट्रेड होना कि इनवर्ड ट्रेड होना, वट डू यू गैस, कॉमेंट इन द कॉमेंट सैक्शन। जे गैस करोगे नहीं तो आंसर तो इधर आने वाला 2 मिनट च। राइट, सो पंजाब इज़ द लार्जेस्ट इंटर स्टेट एक्सपोर्टर ऑफ वीट एंड राइस बाय रेल। वीट एंड राइस तो यार ग्रेन बॉल या ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया हैगी तो होना ही है। राइट, द स्टेट इज़ हाउएवर अ नेट इंपोर्टर ऑफ गुड्स, दिस इज़ द आंसर, विद इनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स मार्जिनली हायर दैन आउटवर्ड फ्लो। ये नंबर्स ने इन्हों एक बारी जस्ट गो थ्रू कर लियो, बट इनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स इज मोर, आउटवर्ड इज लैस, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स प्रोस्पैरिटी इन द स्टेट एज वैल। राइट, सो गोइंग फरदर, टूरिज्म यार आप पहला भी गल की भी टूरिज्म वधिया ग्रो कर रहा है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कई बार पूछ लेंगे ने, 27 September 2019 वॉज सैलीब्रेटिड एज वर्ल्ड टूरिज्म डे, एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अनाउंसड वेरियस इनिशिएटिवस, बट अजकल तो कोविड करके थोड़ा टूरिज्म रुकया होया, बट हौले हौले वी आर अनलॉकिंग, होपफुली वील गेट ओवर दिस वायरस, वील फाइंड अ ट्रीटमेंट एंड देन अगेन द प्रोग्रेस एंड अनलॉकिंग विल स्टार्ट। राइट, सो होपिंग वेल, टूरिज्म दे लई की कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड अमृतसर अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ टूरिस्ट फुटफॉल इन द स्टेट। आप पहली स्लाइड से पहली वीडियो से भी गल की है भी सब तो ज़्यादा टूरिस्ट अबाउट मोर दैन 50% ऑफ टूरिस्ट जोड़ा पंजाब विजिट करता वो अमृतसर जाता बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू द ग्रेट गोल्डन टेंपल सो ऑल दोज विजिटिंग पंजाब मोर दैन 50% फुटफॉल इज इन स्टेट इन अमृतसर राइट। सो गोइंग फरदर जी जे फॉरन टूरिस्ट की विजिट देखिए तो नंबर वन पर तमिलनाडु आता साडा अपना पंजाब 7 नंबर पर आता किन्ने टूरिस्ट ने लगभग 12 लाख। सो प्लीज़ थोड़ा जहा ध्यान रखियो तमिलनाडु नंबर वन पर 7 आप बस इन्ना बहुत है राइट। ट्रांसपोर्ट सैक्टर की ट्रैक्टर तो ट्रालिया वाले 8-11 वाले सो उन्हां दी गल करिए जे विद एन एवरेज ऑफ 7.3% टू GSV है रेलेवेंट है बिकॉज 7.3% ते नाल 2011 ते 19-20 दे विच अपना ए 7.1% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड हैज एमर्ज एन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट्स इकोनमी एंड द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन द स्टेट कंसिस्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। केड़े-केड़े 3 मोड्स आर वेरी सिंपली रेलवेज रोड एंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड। वाई इज वाटर ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज लैंडलॉक्ड दी स्टेट है राइट। सो द ट्रांसपोर्ट सैक्टर इज ड्रिवन बाय रोड ट्रांसपोर्ट फॉलोड बाय रेलवेज। प्लीज़ क्रोनोलॉजी अगेन ध्यान रखियो सब तो ज़्यादा शेयर रोड का हैगा वो बाद रेलवेज का वो बाद एविएशन की गल आती राइट। द डिवेलपमेंट आ चीज़ यार नोट करने वाली है प्लीज़ ध्यान रखियो द डिवेलपमेंट ऑफ रोड इज हैंडल्ड बाय 4 इंस्टीट्यूशंस। नैशनल हाईवे होएगा जिहड़ा पंजाब तो जा रहा है कौन हैंडल करेगा ऑब्वियसली नेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट हाईवे कौन ध्यान रखेगा जी स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट डेफिनेटली स्टेट हाईवे तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्टेट का ही देखेगा। दैन टाउन रोड का कौन ध्यान रखता म्यूनसीपल बॉडीज म्यूनसीपल बॉडीज राइट। दैन फोर्थ जी रूरल रोड इन च दो चीज़ा ने पार्टली बाय PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड पार्टली बाय रूरल डिपार्टमेंट एंड पंजाब मंडी बोर्ड राइट। सो प्लीज़ रिमैंबर दीज इंस्टीट्यूशन आर कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है सो प्लीज़ रिमैंबर दिस राइट। एंड लेंथ इन किलोमीटर से यार याद नहीं करना आप बस ये देखना भी सब तो ज़्यादा केड़ा तो सब तो घट केड़ा सिंपल नंबर सब तो ज़्यादा रूरल रोड दिख रही ने सानू लेंथ वाइज तो सब तो घट केड़ा दिख रहे आला जी दिस इज स्टेट हाईवेज 1103। सो जस्ट लेसर एंड मोर केड़ा हैगा वो ध्यान दे लियो ज़्यादा नंबर्स नहीं याद करने आप राइट। गोइंग फरदर जी सिविल एविएशन जी की गल करिए then the development promotion and regulation of civil aviation comes under which department obviously department of civil aviation these are numbers of the transport department ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 76.1% ਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਸਟ ਦੈਟ ਨੋਟ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਦ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਸੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ 5 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। We are living in Punjab, you may be living in Punjab, right? So we should know kithe kithe ne, sanu pata hona chahida, general knowledge. So kithe kithe ne ji, Amritsar, ALA International Hawaii Adda, Amritsar ala, we know that, right? Then Bathinda, then Ludhiana, Pathankot and Patiala. Yaar, thode shahar che kaiyan nu edda hunda vi airport hega, sanu pata hi nahi. So hege ji, 5 jagah ne, Bathinda, Amritsar, te Ludhiana, Pathankot and Patiala. एंड जिहड़ा श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट हैगा अमृतसर च दैट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज आई सैड राइट। गोइंग फरदर जी टेलीकॉम सैक्टर च की चीज़ा देख रहे आप वायरलैस टेलीडेंसिटी एंड इंटरनेट सबसक्राइबरस पर 100 पॉपूलेशन आप पहला गल की दैट टेलीडेंसिटी है कि तो पंजाब उच्च ओवर नंबर करता ओवर लैट्स से नंबर आर बैटर दैन द नैशनल एवरेज। सो टेलीडेंसिटी हुंदा की है जी आ देखो इट डिनोट्स द नंबर ऑफ टेलीफोन कनैक्शन पर 100 पॉपूलेशन विच इज़ एन इंडीकेटर ऑफ टेलीकॉम पेनीट्रेशन राइट। किन्ना होना है जी आ देखो 124.75 100 लोगों चो 124 दे कोल फोन है ये मतलब होया इहदा। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट द टेली डेंसिटी इज 124.75 वायरलेस टेली डेंसिटी इज 124.75 इन पंजाब
एज कंपेयर टू 88.50 एट नैशनल लैवल। 100 लोगों 124 को फोन है, ये मतलब बनया ये। वट डू आई मीन बाय दिस, प्लीज टैल मी दैट टेलीडेंसी इज 124.75 इन द कॉमेंट सैक्शन प्लीज। इफ स्टिल इन डाउट देन अगैन क्वेश्चन इन द कॉमेंट सैक्शन, राइट। सिमिलरली द इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन इज 75.11 इन कंपेरिजन टू नेशनल एवरेज ऑफ 50.52, राइट। सो बोथ इन वायरलेस टेलीडेंसिटी एंड इन इंटरनेट पेनीट्रेशन पंजाब हैज़ हायर नंबर्स एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज, प्लीज रिमेंबर, राइट। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, राइजिंग इनकम नेसेसिटेट्स, जब तक पैसे ही नहीं सीगे तो फाइनेंशियल सर्विस का की करना, बैंक की करना है तो FDI की करानी है। जब पैसे आने लगे, प्रोस्परस स्टेट है साड़ी पंजाब, आप शुरू से गल करते आ रहे हैं सर्वे के नाल। सो हुण फाइनेंशियल सर्विसेज बिकम इंटैग्रल, भी तुसी करोड़ा रुपया घर से थोड़ी दब के रखोगे, डर लगी जाना, नींद नहीं आनी रत्ती, तो हुण फाइनेंशियल सर्विसेज का काम आंदा। एंड दे इंक्लूड सर्विसेज लाइक सानू पता यार, इंश्योरेंस, क्रेडिट मैनेजमेंट, मनी एसेट्स, ऑल दीज, राइट। जे नहीं पता एक बार पढ़ लो। सो इन पंजाब फाइनेंशियल सर्विसेज अकाउंटेड फॉर अ शेयर ऑफ 10.7% इन GSVA फ्रॉम सर्विसेज, सर्विसेज दे GSVA च 10.7% किन्ने कॉन्ट्रीब्यूट किया जी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। एंड ये गल आप कर चुके हैं, 18 पब्लिक सैक्टर, 14 प्राइवेट सैक्टर, फाइनेंस एंड रीजनल रूरल, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेज अमंग द सिलेक्ट स्टेट्स। सो वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेज आर देयर इन पंजाब, एंड डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट बाय बैंक्स, टोटल डिपॉजिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन पंजाब हैज इंक्रीज वाइल टोटल क्रेडिट हैज़ विटनेस्ड अ फॉल। ये ना कई बार पूछ लेंदे ने UPSC मोटिवेटेड क्वेश्चन कि भाई डिपॉजिट वधे है तो क्रेडिट घटे है, वट डज दैट इंडीकेट। बेसिकली द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो विच आई आस्ट अर्लीयर इज द प्रपोर्शन ऑफ लोन सैंक्शन बाय बैंक्स फ्रॉम द डिपॉजिट इट रिसीव्स एंड विच हैज़ बीन हायर दैन द नैशनल बेंच मार्क। सो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की होया जी, जिन्ना बैंक च डिपॉजिट आया, जिन्ना बैंक च लेट्स से भी 100 रुपये डिपॉजिट आया, तो उस 100 रुपये च उन्होंने क्रेडिट किन्ना दिता, लोन किन्ना दिता, दैट इज़ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सो दिस द सिविल एविएशन सैक्टर जी, वेयर इज दिस पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज़ इन पटियाला एंड इट इज़ अंडर द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। देर हैव बीन मैनी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन, वन ऑफ दैम इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम, एंड फॉर दिस पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ इन पटियाला, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का एक और नाम था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन विद द आंसर। जे थोनू नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो अगैन डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। सो द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ साइंड MOU विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कंसेशन एंड सपोर्ट टू एयरलाइन ऑपरेटर्स टू स्टार्ट फ्लाइट्स फ्रॉम लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट एंड आदमपुर। सो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम भी इन पंजाब इज रनिंग, राइट। द टूरिज्म यार आप गल कर चुके हैं टूरिज्म डिवेलपमेंट की, बट एक फैक्ट ध्यान देने वाला जिहड़ा पूछा जाता सीधा सीधा पेपर च, दैट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किदे नाल कलैबोरेट किया जी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करन नू, एशियन डिवेलपमेंट बैंक फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एशियन डिवेलपमेंट बैंक, दैट इज़ ADB। टेल मी इन द कॉमेंट सैक्शन हू हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन ADB बैंक। अगैन दिस माइट बी अ UPSC मोटिवेटेड क्वेश्चन इन PCS। UPSC वाले एस्पिरेंट जेडे सुपीरियर मोरैलिटी मानते हैं, वो प्लीज़ दसो मैनू भी केड़ा ADB का हाइएस्ट शेयर होल्डर हैगा, राइट। सो दैन मूविंग ऑन टू द योर रोल, दैट इज़ क्वेश्चनस फॉर टूडे, क्वेश्चनस फ्रॉम चैप्टर 4। इट्स योर टाइम इज़ नाउ, प्लीज़ आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंसेंटिवस गिवन टू IT सैक्टर इन पंजाब। क्वेश्चन सारे स्लाइड्स तो ने, जे तुसी ध्यान नाल देखिए तो पेपर च भी आ जाते हैं, तो इतने तो थोनू आंसर करना ही करना, जे नहीं देखा तो फिर यार स्किप इट, राइट।
Consider the following statements regarding incentives given to IT sector in Punjab. First state in India to reimburse percentage of net GST. Employment subsidy of up to ₹48,000 per employee per year for 5 years has been given. So which of the above are true or correct? One only, two only, both, none. So it is for you to answer. Again I repeat, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਆਨਸਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀਸ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊਜ਼। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਆਊਟਵਰਡ ਟਰੇਡ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਆਊਟਵਰਡ ਟਰੇਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵੀਟ ਦਾ, ਰਾਈਸ ਦਾ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ, ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ? ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਸਲਾਈਡਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ? ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਆਨਸਰ। The rural roads in Punjab are looked after by Public Works Department, municipal bodies, Government of India, or none of the above? Again, your call, please answer. Right? Then next G, which among the following aptly describes credit deposit ratio? First option, the ratio of savings to deposit. The ratio of, second option, ratio of credit as proportion of NPA, non-performing asset. Third, the proportion of loan sanctioned by banks from deposit they receive. Fourth option, none of the above. Fifth question, the last question for the day. Please keep on answering. This motivates me to perform better. Right? Government of Punjab has also collaborated with which among the following for the development of tourism with infrastructure within the state? World Bank, IMF, United Nations, or Asian Development Bank? Your call, you should know this. We have studied this. So, ji, again, thank you for following. Please keep on commenting. Please keep on answering. It motivates me to help you better. So, again, this is Anmol Mehta signing off. Sat Sri Akaal again, saryanu. Te, thank you so much. Bye-bye.